आखिरकार 27 साल बाद एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। यह बिल करीब 3 दशक से लटका हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से सभी की नजर इस बिल पर टिकी हुई है। यह बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पास कर लिया गया है। अब यह बिल राज्यसभा में पास होना है, जिसके बाद यह अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल अस्तित्व में आ जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से कानून बन जाएगा। यह बिल संसद के साथ साथ अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं की भी तस्वीर बदल जाएगी। वहीं अगर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों अभी 78 यानी कि 78 महिला सांसद है, जो साल 2014 के मुकाबले या 2019 के मुकाबलों की अगर बात की जाए तो दोनों ही लोकसभा चुनावों के मुकाबले 14% होती है। राज्य में 29 महिला सांसद है और यह 12% मानी जाती है। कैबिनेट ने क्लियर किया है, अब उसका अध्ययन करेंगे, अब उसमें चर्चा होगी किस प्रकार से लागू होगा। अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 के परिसीमन के बाद होगा। अभी तो जनगणना नहीं हुआ है, तो परिसीमन किस आधार पे होगा ये भी एक विषय है। तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी अब लोकसभा में चर्चा होगी तो सब सदस्य लोग उसके बाद